जी हाँ, आपने सही समझा थंबनेल देख के। लिंक योर डिजिट लॉकर पर दाहिने तरफ का पहरेदार और बाएं तरफ का पहरेदार वेरीफाई यूजिंग आधार। हाईलाइट आप कर्जर से देख सकते हैं। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। मैं एप्लीकेशन में लॉगिन कर रखा हूँ और दोनों पहरेदार आपको ITI डिप्लोमा डिग्री एक साथ है या ग्रेजुएशन ITI एक साथ है उसके लिए है क्या? तो नहीं। इसका मकसद है कि आपकी जितने भी डिटेल है यहाँ से सुविधा हो, आधार अभी वेरीफाई कर लीजिए तो आपको एग्जाम में काम आए, आसानी हो जाए, और डिजिटल डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट रख लें तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आए। लेकिन कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जिनकी प्रॉब्लम रहती है वो सबसे पहले सतर्क होते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे कोई विद्यार्थी चोर नहीं है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, विद्यार्थी ने अगर कोई गलती किया है, कुछ गलतियाँ हुई है या कुछ भी टेक्निकल इशू हुआ है, उसके लिए उन्हें अपने से समझना चाहिए कि हमारी जो गलती है उसको हम कैसे सुधारें। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके नहीं कि मैं यहाँ सारा डॉक्यूमेंट डाल दूँ, यहाँ से मैं अपना आधार वेरीफाई कर दूँ, फ्यूचर में पता चलेगा कि नहीं। तो देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर आपकी डिटेल निकालनी होगी तो कहीं से भी निकल जाएगी, और नहीं निकालनी होगी तो आपका कुछ नहीं होगा। आप आराम से फॉर्म भरिए, अपनी अलग से प्रोसेस कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। समझ गए होंगे। तो देखिए, आधार वेरीफाई करने की प्रोसेस क्या है, और सबसे पहले बात, जिनकी रेगुलर 2 डिग्री है उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। किन्हीं का 6 महीना 2 महीना एग्ज़ाम के आगे पीछे का कोई इशू है, हर बार कमेंट आता है। मैं प्लीज़ बता दूं कि अगर आपका एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हुआ है तो आपका सेशन नहीं चेंज होता, केवल आपकी एग्ज़ाम का मार्कशीट जो और इशू डेट चेंज होती है, लेकिन आपकी जो सेशन रहेगा वो मार्कशीट में वही मेंशन रहेगा और सर्टिफिकेट में वही मेंशन रहेगा जो आपका जेन्युइन होगा। तो चलिए, आधार वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, एक अभी कैंडिडेट का ऑप्शन है। यहाँ एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर भर सकते हैं नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ और ये कैंडिडेट। ये आधार से हटा के भी भर सकते हैं, मैनुअल भी भर सकते हैं। यहाँ से आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ से क्लिक हेयर करके यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। अब यहाँ वेरीफाई करते हुए लोगों को डर लगता है कि मेरे फ्यूचर में डाटा निकाल लेगा, ठीक है, एक चीज़ है। दूसरा, सेम इसको मैं बंद करता हूँ, डिजिटल लॉकर का मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपकी दूसरे अकाउंट पे ले जाएगा, फिर वहाँ से सारा डाटा आपको लॉगिन करके आपको वहाँ से सारा भरना होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ कि RRB अगर आपको पकड़ना ही होगा, मैं यहाँ से 1 मिनट बता रहा हूँ, ये आ गया ना डिजिटल लॉकर वाला, मुझे अभी नहीं करना है डिजिटल लॉकर, तो अभी मैं बाद में बताऊँगा आपको, किसी और का कैंडिडेट का है। तो यहाँ पे अगर आप बात करना चाहेंगे कि आपको पकड़ना ही होगा तो क्यों चाहिए आधार और क्या चाहिए आपका डिजिटल लॉकर? आपके कॉलेज से डॉक्यूमेंट नहीं मंगा सकता रेलवे? नहीं। अच्छा, नहीं मंगा सकता तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन हिस्ट्री भी है जो पहले नहीं हुआ करता था, 2024 में हुआ है। एप्लीकेशन हिस्ट्री निकाल लेगा, आपने जो जो फॉर्म भरा है ये तो सेव है ना जी, रेलवे के पास भी सेव है, आपके पास भी है। जैसे JEE का भरा हुआ है, टेक्नीशियन का भरा हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट का भरा हुआ है, आदमी व्यक्ति एक ही है, 3 फॉर्म भर रखे हैं, और NTPC भी होगा ग्रेजुएशन, तो ये भी भर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान है कि अगर जब इसमें से जो एप्लीकेशन निकालना होगा, आपकी क्वालिफिकेशन निकालना होगा, तो यहाँ से निकालेगा या नहीं निकालेगा? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे यहीं से निकाल लेगा जब आधार नंबर देंगे तहीं से। कुछ लोग, साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं डिजिटल लॉकर से निकाल लेगा। तो देखिए, निकालना होगा ना गवर्नमेंट को। तो अब सोशल मीडिया इतना आगे चला गया है, IT टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है, आपको कहीं निकाल लेगा। अब इशू ये रहता है कि मैं करूं या ना करूं, तो मेरा सिंपल से जवाब है, अगर आपको सस्पेंस है तो नहीं कीजिए, अगर आपके ऊपर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो आराम से कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन जब भी प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूबर आपके साथ नहीं जाएगा, ये फैक्ट है। अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या का निदान आपको अपने आप करना होगा। मेरा एकदम बिल्कुल क्लियर कट है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सजेशन दे दूं, अरे सजेशन देके आपके 60 साल जॉब तक तो यूट्यूबर नहीं रहेगा ना, हो सकता है चैनल बंद हो जाए कल, हम अलग आप अलग, हो सकता है और कोई सारी सारी इश्यू हो जाए। अगले दिन आप क्वेश्चन पूछेंगे कि तूने कहा था भाई तुम्हें तो कुछ पता नहीं, तुम कैसे बता देते हो मेरे को कि ये एप्लीकेशन भरू या ना भरू, तो फिर मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा भैया मुझे नहीं पता था, माफ़ कर दो,
लेकिन रिक्स किसकी है, आपकी है। तो इसलिए पढ़े लिखे बच्चे की तरह बिहेवियर कीजिए, अपनी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर नहीं छोड़िए। लाइफ आपकी है, निपटना आपको है, समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। थैंक यू, धन्यवाद।